कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरी वीडियोस बहुत दिन बाद आ रही हैं क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं तो उसके कार्यों में व्यस्त था, इसलिए मेरी वीडियोस आ नहीं पाई। तो आज जो बात है, जैसा कि एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं और आप लोगों ने फॉर्म फिल करके सबमिट भी कर दिया होगा, तो अब एग्जामिनेशन डेट का एक्सपेक्टेड, अगर एग्जामिनेशन डेट की बात करते हैं तो हो सकता है मार्च में आप लोगों की एग्जाम हो। तो एग्जाम मार्च में होंगे तो उससे पहले आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, किस बुक से प्रिपरेशन करनी है और कैसे करनी है, ये आप लोग एक स्ट्रेटेजी बना के अगर करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं कि आप कैसे कम समय में ज़्यादा पढ़ सकते हैं जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन करें। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास जो है चार पेपर है, तीन पेपर कंपलसरी और एक पेपर आप लोगों का ऑप्शन है, जैसा कि पहले फिलोसफिकल है, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, दूसरा साइकोलॉजी है, तीसरा है हमारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं और चौथा है हमारा इनोवेशन एजुकेशन। तो हमारे पास देखिए बुक्स जो है ऑथर्स की, कई ऑथर्स की बुक है। कुछ बुक्स अगर हम बात कर लेते हैं जैसे एस के मंगल की, तो ये मेरे पास एक बुक है एस के मंगल की है जो साइकोलॉजी की है, शिक्षा मनोविज्ञान की है। तो ये बहुत डीप बुक है, मतलब आपके पास कम समय में अगर आप इस बुक को खत्म करना चाहेंगे तो ये आप लोग के लिए हो सकता है इम्पॉसिबल टास्क हो, और बहुत से बच्चों को पढ़ भी सकते हैं। तो आप अगर इससे पढ़ेंगे तो ये बेस्ट बुक है और अच्छी बुक है। तो आप अगर इससे पढ़ेंगे तो आप बहुत डीप नॉलेज आपको गेन होगी, ठीक है। इसी तरह के और अगर हम बात करते हैं फिलोसफी की, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, इनोवेशन की, तो अलग अलग राइटर की अलग अलग बुक्स हैं, वो अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको डीप नॉलेज होगी। अगर हम कम समय में अगर आपकी बात करते हैं तो हमारे पास एक और पब्लिकेशन है जिसको अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक है, जैसा कि अग्रवाल पब्लिकेशन की ये बुक कुछ इस तरह से आपको दिखेगी, शिक्षा में नवाचार इनोवेशन इन एजुकेशन। दूसरी बुक है शिक्षा के तकनीकी परिपेक्ष, टेक्नोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन। और तीसरी बुक है हमारी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष, साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव इन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता है कि ये जो सारी बुक्स हैं ये अग्रवाल पब्लिकेशन की, तो ये एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छी बुक्स हैं। इसमें भी आपको बेसिक जो आपको डायरेक्ट पढ़ना है आप वो लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास अब एक और हमारे पास एक नई पब्लिकेशन की बुक है जिसको जो कैनिंग पब्लिकेशन की बुक है, ये कुछ इस तरह लिखी है, साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव। ये भी आप लेना चाहें तो इससे पढ़ सकते हैं, इससे भी पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज और जो इनके पॉइंट्स हैं इनके भी कंटेंट्स आपके अच्छे हैं और बेस्ट हैं, तो आप इसको भी ले सकते हैं। या तो अगर जो बच्चे ऐसे कुछ बच्चे जो वर्किंग होंगे, जो कहते हैं पार्ट टाइम एजुकेशन इस तरह से पीएचडी सिर्फ डिग्री ले रहे हो, तो उनके लिए कम समय में चूंकि उनके लिए जॉब भी इंपॉर्टेंट है और बीएड भी इंपॉर्टेंट है, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे सीरीज टाइप की बुक्स आती है जैसे अमूल्य है, अमूल्य हमारे पास, उसमें अमूल्य एक तरह की गाइड टाइप की होती है जिसमें कि आपके आपके पास जो है कि उसमें कुछ प्रीवियस पेपर्स होंगे और बहुत शॉर्ट, उसमें ब्रीफ में नहीं होगा ज़्यादा, बट उसमें जो भी पॉइंट्स होंगे और टू द पॉइंट्स होंगे। इसी तरह दूसरा हमारे पास है 22 सीरीज में भी आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स होंगे और उसमें टू द पॉइंट आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है ये आपको उसमें पता चलेगा। और एक हमारे पास एक और आती है जिसको बोलते हैं परिचय नोट्स, तो परिचय नोट्स कुछ आपका कुछ ये इस तरह से दिखाई देगा, परिचय नोट्स, परिचय क्लास नोट्स बीएड। तो ये इसमें आप देखेंगे पीछे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी होगा, जो पहले पेपर्स आ चुके हैं कैसे होंगे एक सैंपल के तौर में, और ये कुछ बुक्स जो है टू द पॉइंट आपको क्या पढ़ना है, मतलब बहुत डीप स्टडी तो नहीं कह सकते बट हाँ इतना जरूर है कि इन बुक्स को पढ़ के आप अपने एग्जाम में पास होकर एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसके लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।